नमस्कार फ्रेंड्स, मी सीए अभिषेक जैन। सिंस लास्ट फ्यू डेज देर आर सर्टेन बर्निंग इश्यूज। आउट ऑफ दैट वन इश्यू रियली पिक द स्पीड और उस इश्यू को लेकर ट्विटर पे वार छिड़ गया, लोगों की अपनी ओपिनियन आई और इस तरीके से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि अब इकोनॉमी का कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। डेटा रिवील हुआ कुछ ही दिन पहले और कंट्रैक्शन वाज प्रिडिक्टेड, झटका लगने वाला था, इट वाज प्रिडिक्टेड। बट जो डेटा रिवील हुआ दैट वाज -23.9%। इसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हुआ। क्या जो सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ गई, जो बड़े डिस्कशन हुए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाने लगा, वो बात ठीक है, बिकॉज देर शुड बी सर्टेन मेजर टू मेक द इकोनॉमी स्ट्रोंग। बट हमें यह समझना भी पड़ेगा, जो डेटा रिवील हुआ, क्या कुछ ऐसे रीजन थे जो बियॉन्ड द कंट्रोल थे, या क्या उनको रोका जा सकता था। इन सबसे पहले हम एक बड़े इजी लैंग्वेज में समझेंगे, बड़े इजी तरीके से समझेंगे कि जीडीपी वाकई में है क्या और उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है। बहुत सारे अपोजिशन पार्टी ने काफी क्रिटिसाइज किया कि मेजर कुछ भी नहीं हो रहा गवर्नमेंट की तरफ से, और जो ये डेटा रिवील हुआ, जितनी भी कंट्रीज हैं अक्रॉस द ग्लोब, सबसे ज्यादा जो डेंट हुआ इंडियन इकोनॉमी को हुआ। इसके कारण क्या रहे, क्या वाकई में सिचुएशन काफी डरावनी है, समझते हम इन्हीं चीजों को, क्या -23.9% जो फिगर दिया गया है वाकई में अपने आप में कुछ कहानी कहता है। इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं जीडीपी क्या है और फिर हम एनालिसिस करेंगे उस डेटा के साथ जो रिवील हुआ है कि -23.9% आया कैसे, इसको कंपेयर कैसे किया गया। इन सभी चीजों को समझते हैं इस प्रेजेंटेशन के साथ में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अगेन अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली, लेट्स से क्वार्टरली, एनुअली, इन इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया, इन बिफोर 1996 आई रिमेंबर एनुअली जीडीपी का डेटा आता था और उसके बाद में क्वार्टरली आने लगा। तो वी कैन से वर्ल्ड वाइड ये यूज किया जाता है इकोनॉमी की हेल्थ का एक इंडिकेटर है उसको जांचने के लिए, और कंपेयर भी करते हैं जीडीपी को कंट्री वाइज कि आपस में किस कंट्री का जीडीपी कितना है। नाउ अब बात आती है कि जीडीपी को मेजर कैसे किया जाता है। तो अब ये इंडिकेटर जो जीडीपी का है वो हम समझते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस इज अ पार्ट ऑफ जीडीपी। कुछ भी हो, चाहे हम जो खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सर्विसेज वी यूज, चाहे किसी भी हम बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुड सर्विसेज की पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कवर किया जाता है कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी कितनी लार्ज है, वो इन सब डेटा से पता लगता है कि कितना प्रोड्यूस हुआ। हम सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कितना प्रोड्यूस हुआ, राइट। अब बात आती है कि बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो ये बताते हैं कि जीडीपी कितनी है पर्टिकुलर कंट्री की। जो मेन कॉमनली यूज्ड जो मेथड है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आप नीचे देख सकते हैं फॉर्मूला है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स। दैट इज, सी इंडिकेट्स कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द सेंस कि कोई भी मनी आप और मैं यूज करते हैं, बाहर बाजार में गए, गुड्स खरीदे, जूते खरीदे, ग्रोसरी खरीदी, हेयर कट करवाया, सर्विसेज यूज की, वो कंज्यूमर स्पेंडिंग होता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग चाहे वो रोड पे करती हो, हॉस्पिटल बनाती हो, चाहे स्कूल्स पे स्पेंड करती हो, वो उनको भी ऐड किया जाता है। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस हाउसेज जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं मशीनरी में, बिल्डिंग्स में, अपने ऑफिसेज के लिए, साथ ही साथ इसमें इंडिविजुअल जो
बायर्स कहते हैं, जैसे होम लोन, होम किसी ने खरीदा, वो भी इसमें इंक्लूड होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। देन ऐड किया जाता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट अगर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इज इक्वल टू टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इम्पोर्ट। तो जो नेट एक्सपोर्ट होता है उसको ऐड किया जाता है। तो ये जो डेटा आता है उसको कंपेयर किया जाता है अपना पीयर, जो लास्ट ईयर था, जैसे क्वार्टर वन अगर हम बात करें 2021 की, तो क्वार्टर वन 1920 से कंपेयर किया जाएगा। अगर हम ये बात करें कि जो चार पैरामीटर्स हमने देखे हैं, तो सबसे बड़ा जो हम बोलते हैं पैरामीटर है, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन, जिसे हमने देखा भी। आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग का, उसके अंदर जो प्राइवेट कंजम्पशन है, दैट अगर हम पीछे का डेटा जो रिवील हुआ उसको हम कैलकुलेट करें, तो 56.4% ऑफ ऑल जीडीपी जो आप, हम और सब मिलके खर्च करते हैं, वो अकाउंट होता है। जो सेकेंड बिगेस्ट इंजन है, सेकेंड वो होता है प्राइवेट सेक्टर, जो बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट करते हैं इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, वो भी 32% काउंट हुआ। थर्ड है गवर्नमेंट का पार्ट, काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं 11.8% स्पेंडिंग में। और जो लास्ट जो सब कुछ बचता है हम बात करते हैं, वो इंक्लूड होता है उसके अंदर, हम नेट एक्सपोर्ट भी लेते हैं। ये स्मॉलेस्ट इंजन है बट इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं ये पिक्चर किस तरीके से प्रिडिक्ट होती है। सी द पिक्चर, इंडिया जीडीपी कैलकुलेटेड 23.9%, इसके आगे हमें माइनस भी लगाना है। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, और लास्ट जो अगर हम बात करें, जो कैलकुलेशन हुई प्रिडिक्टेड था, बिग फॉल हुआ, बट ये कंपैरिजन किया गया, ये जो माइनस आया कैसे, कंपेयर कहाँ से हुआ, ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1920। कुछ फिगर्स मैंने कंपैरिजन के लिए यहाँ पे रखे हैं। कंट्री वाइज आप देख सकते हैं, इंडिया का जो सबसे बड़ा डेंट है, यूके को भी हमने इस पर्टिकुलर मामले में पीछे छोड़ा है, और उसके बाद फ्रांस आप देख सकते हैं, इटली माइनस 17.3, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूएसए एंड साउथ कोरिया एंड देन चाइना। चाइना पॉजिटिव में रहा, और सबसे बड़ा जो डिस्कशन पॉइंट था कि चाइना पॉजिटिव में रहा, और उसने सब जो ये जो डेंट हुआ है सभी इकोनॉमी को कोविड-19 सिचुएशन से, और चाइना उसमें भी पॉजिटिव रहा। स्टिल हम समझते हैं, क्योंकि ये क्वार्टर वन का डेटा रिवील हुआ है। क्या हुआ इस डेटा के अंदर, आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं, अ सोर्स ऑफ टोटल डिमांड, इंजन ऑफ ग्रोथ, जो हमने चार पैरामीटर डिस्कस किए थे वही है कि स्पेंडिंग है, आप देख सकते हैं, एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर, जो फर्स्ट स्पेंडिंग थी सबसे इंपॉर्टेंट, और एक्सपेंडिचर, सेकंड आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट जो बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं, थर्ड है गवर्नमेंट, और लास्ट में है नेट एक्सपोर्ट वाला पार्ट। क्वार्टर वन जो 1920 का था वो रिवील करता है, आप देख सकते हैं रुपीज करोड़ में है, 19,92,967 करोड़ रुपीज जो कंज्यूमर स्पेंडिंग से था। अगर हम कंपेयर करें इसको क्वार्टर वन से जो 2021 का है, वो ये डेटा रिवील हुआ 1,461,164, और डिफरेंस आया जो कि 531,803 नेगेटिव रहा, और जो परसेंटेज चेंज हुआ दैट इज 27%। जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बिजनेसेस का था, ये डेटा जो रिवील हुआ लास्ट, जो 1920 का क्वार्टर वन था, 1,132,195, दैट इन क्वार्टर वन जो प्राइवेट बिजनेसेस थे, एक तरीके से लॉकडाउन की सिचुएशन थी। आगे हम डिस्कस भी करते हैं क्या ये वाकई में डरावनी सिचुएशन है। और ये जो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट हुआ, -47% डेंट दिया गया। और हम बात करते हैं नेक्स्ट की, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, आप देखिए 16% इवन ज़्यादा ही हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड, कुछ एक्सपेंडिचर भी किए गवर्नमेंट ने। नेट डिमांड फॉर एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ी, जो पिछले साल जो माइनस में थी एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, वो अब पॉजिटिव में दिखाई गई है डिफरेंस, आप देखिए, और 165%। इन सबको अगर आप नीचे फिगर देखोगे, चारों को टोटल करके, इंडिविजुअली नहीं देखना, चारों को टोटल करके 35,35,267 करोड़, अगर 26,89,556 से आप कंपेयर करते हैं, तो दैट कम्स -23.9%। फ्रेंड्स, तो क्या ये वाकई में ऐसा है, पर इसमें हमें और भी जो रीज़न है हमको देखना पड़ेगा, और वो रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट है कोविड सिचुएशन। अगर हम लॉकडाउन कंट्री वाइज लॉकडाउन की बात करें, तो इंडिया, अगर हम यूएस, यूएस में भी पूरा लॉकडाउन नहीं हुआ, चाइना में पूरा लॉकडाउन कंट्री का नहीं था, बहुत कम ऐसे कंट्रीज थे जहां पूरा लॉकडाउन नेशन वाइड था, इंडिया उनमें से एक थी। और आप लॉकडाउन समझ सकते हैं 1 अप्रैल, जो अब मार्च से शुरू था, 24 मार्च आई रिमेम्बर, 1 अप्रैल पूरा कवर था, मई पूरा कवर था, तो आप देखिए
फर्स्ट क्वार्टर के 2 मंथ पूरे कवर है, और जून के अंदर अनलॉक शुरू हुआ, आप उसको भी आप देख सकते हैं। अनलॉक जुलाई में आते आते चीज़ें फिर खुली, अनलॉक 2 आया और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मार्केट खुला। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ कारण जो आप बोला जा रहा है कि वाकई में बहुत बड़ा डेंट है, बिल्कुल है, इकोनॉमी में मेज़र भी होने चाहिए, क्योंकि हम लास्ट फ्यू मंथ से हम देख रहे हैं कोविड से पहले भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। स्टिल जो मेन जो रीज़न है जो इस पर्टिकुलर डेंट का, दैट इज़ कोविड-19। जो पहला मंथ है Q1 का, सेकेंड मंथ है में पूरा लॉकडाउन, कुछ भी वर्किंग नहीं हुआ, प्रोडक्शन की तो बात ही दूर की है, सब कुछ लॉकडाउन था, सब घरों में थे, बिजनेस हाउसेस खुले नहीं थे, तो यहाँ लगना स्वाभाविक था। अब बात आती है, ये सिचुएशन काफ़ी सुधारनी चाहिए Q2 के जब डेटा रिवील होंगे, और हम देखेंगे भी उसमें कि कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आया है हर एक जगह से। तो ये सारी कहानी है इस पर्टिकुलर -23.9% की। होप सो फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे कि GDP की वर्किंग किस तरीके से कवर की जाती है। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माई साइड, और आप ये भी समझ पाए होंगे कि क्या कारण रहे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के जब इतना बड़ा डेंट लगा। थैंक यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।